हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ Revolution में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेट इंडिकेशन CPP 4 क्लियर। इसमें आज हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्लियर। ए जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अगर आप सभी को प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो सबसे पहले वो लेक्चर जाके देख ले जहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई है। वहां पर जाके आप चेकआउट कर लें, वहां पर प्रॉपर्टी स्टडी कर लें ध्यान से, उसके बाद इसको देखें तो आपको क्लियर होगा, आपको समझ में भी आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, क्लियर आज का। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं ध्यान से। इंटीग्रेशन करना है हमें इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में sin x इंटू डी एक्स, क्लियर। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा ध्यान से, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तब ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और बोला भी था ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फ्रॉम 0 to a अगर कोई लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स आपका फंक्शन है, तो अगर आप x के प्लेस पे a माइनस एक्स भी कर दें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर हम इसमें अप्लाई करें तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π/2 आपका अंडर रूट में क्या होगा साइन x के प्लेस पे आपका होगा π/2 माइनस के एक्स अपॉन सेम आपका अंडर रूट में कॉस x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स होगा प्लस अंडर रूट में साइन के प्लेस पे आपका होगा साइन π/2 माइनस एक्स और डी एक्स। इतना चीज क्लियर है इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, ए हमारा यहाँ पर π/2 है, क्लियर। तो देखते हैं क्या होता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ए आपका साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, क्लियर, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर ये cos x हो जाएगा अपॉन में ए आपका अंडर रूट में साइन एक्स हो जाएगा प्लस ए आपका अंडर रूट में कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। इतना चीज क्लियर है सारे बच्चों को। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूं और इसको इक्वेशन 2 देता हूं, क्लियर, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, क्लियर, और मैं बोलूं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दे तब क्या होगा, देखे LHS में LHS ऐड होगा तो आपको 2i मिलेगा, लेकिन जब आप देखें लिमिट तो आपका एज इट इज आपका, देखें आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपका जो डिनोमिनेटर है ठीक है ना एज इट इज है, तो आपका न्यूमिनेटर में जो भी अवयव है जो भी वैल्यू है वो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, तो कर दीजिए क्या होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये सेम हो गई इसलिए कैंसिल होके आप देखेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 यहाँ पर 1 और डी एक्स, क्लियर। तो 2i इज इक्वल टू, आप सभी को पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है और लिमिट आपकी फ्रॉम 0 to π/2 ही चलेगी, क्लियर। तो आप यहाँ से देखें तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट लगाएं तो क्या आएगा π/2 और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0, तो i का वैल्यू आपको मिलेगा π/4, क्लियर। ए आपका क्या होगा फाइनल आंसर, क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, क्लियर, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ओके कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, ठीक है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब उसका ग्राफिकल अप्रोच आपको आता होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेट करना है हमें -5 to +5 मॉड एक्स माइनस टू और डी एक्स हमारा फंक्शन है, क्लियर। तो आप सभी को मॉड इसका ग्राफ आना चाहिए मॉड एक्स माइनस टू का, जो कि मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है, क्लियर, फिर से मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, क्लियर। मैंने बताया था कि मॉड की राशि को 0 के इक्वल कराएं तो एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा, ओके।
तो आपका मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ए पॉइंट आपका 2,0 होगा। क्लियर? तो आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है कहां से, माइनस फाइव से प्लस फाइव के बीच में। क्लियर? ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप पहले माइनस फाइव से टू तक फाइंड कीजिए और फिर टू से फाइव तक, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ कोई इंटीग्रेशन फाइंड करना है ए से बी और एफ एक्स और डी एक्स, तो आप ए से सी और एफ एक्स और डी एक्स प्लस सी से बी और एफ एक्स और डी एक्स अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। लेकिन कंडीशन क्या थी कि सी आपका ए और बी के क्या होना चाहिए, बीच में। तो हमने यहाँ पर देख लिया है जो टू है ना वो माइनस फाइव और प्लस फाइव के बीच में ही लाई करता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि मॉड अगर टू से छोटा वैल्यू है तो मॉड आपका माइनस में ओपन होगा। क्लियर? लेकिन टू से बड़ा है तो आपका प्लस में होता है। ये मॉड की बेसिक प्रॉपर्टी आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर? तो देखते हैं फिर, माइनस फाइव से प्लस टू तक और फंक्शन आपका मॉड एक्स माइनस टू और डी एक्स है, अभी मैं इसको ओपन कराऊंगा माइनस में। क्लियर? और प्लस आपका टू से लेके फाइव तक मॉड एक्स माइनस टू और डी एक्स। क्लियर? अब मॉड को ओपन कराएं तो इस पीरियड में जो आपका मॉड है वो माइनस में ओपन होगा एक्स माइनस टू और डी एक्स, जबकि इस पीरियड में वो आपका किस में ओपन होगा, प्लस में ही ओपन होगा। इतना चीज क्लियर है? और कितना इजी है इसको सॉल्व कराना। क्लियर? बहुत इजी है, तो इजीली आप इसको सॉल्व करा सकते हैं। सबसे पहले मैं माइनस फाइव टू टू माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करना चाहूंगा, टू माइनस एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ पे टू से फाइव तक और एक्स माइनस टू और डी एक्स। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन कराएं तो आप देखेंगे टू एक्स हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और इंटीग्रेट कराएं तो माइनस फाइव से टू तक प्लस यहाँ पर कराएं तो एक्स स्क्वायर अपॉन आपका टू होगा माइनस के टू एक्स होगा और टू से लेके फाइव। क्लियर? ये आपको एडिशन यहाँ पर कराना था। क्लियर? तो अब लिमिट को यहाँ पर कर दें, आप अप्लाई करें, अपर लिमिट लगाएं तो यहाँ पर आपका फोर होगा। क्लियर? ओके। माइनस यहाँ पे लगाएं तो फोर और नीचे टू है तो टू बचेगा। क्लियर? अपर लिमिट लगाने पर ए मिला। माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो देखते हैं, माइनस के फाइव लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस के टेन बचेगा और यहाँ पे माइनस फाइव का स्क्वायर 25 होगा, जो कि माइनस के आपको 25 बाय 2 मिलेगा। लगा ले आप यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं है? ओके, ठीक है। तो ए आपका पहले ब्रैकेट से आंसर आया, प्लस सेकंड ब्रैकेट से देखते हैं हमें क्या मिलता है। अपर लिमिट लगाएंगे जैसे ही आप तो 25 अपॉन में 2 मिलेगा और यहाँ पे माइनस के 10 मिलेगा। क्लियर? और लोअर लिमिट लगाएं तो ए तो पहला होगा माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ पे टू लगाएंगे फोर होगा और नीचे टू है तो टू बचेगा, माइनस यहाँ पे फोर होगा। क्लियर? सिमिलर वैसे ही है, बस थोड़ा आगे पीछे है। क्लियर? तो देख लेते हैं क्या आता है फटाफट। ए तो टू हो गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन, प्लस के टेन प्लस के 25 बाय 2, और वहां पर आप देखें तो प्लस के 25 बाय 2 माइनस के 10, यहां से माइनस के 2 मिलेगा। क्लियर है? यहाँ से माइनस के टू, यहाँ पर माइनस है तो प्लस के टू हो गया। ओके, तो टेन से टेन आपका कैंसिल हो गया, टू और टू ऐड होके आपके फोर हो गए, और 25 बाय टू ऐड होके आपके 25 हो गए, और ऐड होके आपको 29 आपका फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आया समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, थोड़ी मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे आपकी बुक में। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। ओके, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है हमें जीरो से टू पाई और लॉग
sec x प्लस tan x और dx, क्लियर। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो सबसे पहले अभी हाल मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी 0 से a और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से a और एफ ए माइनस एक्स और dx, ये प्रॉपर्टी लगाई थी, वही प्रॉपर्टी हम फिर से अप्लाई करेंगे, क्लियर। तो इसको मैं i टेक कर लेता हूँ, ओके, और इक्वेशन वन देता हूँ, ओके। तो फ्रॉम प्रॉपर्टी से यहाँ पर क्या होगा, i 0 से 2a log, यहाँ पे होगा sec 2 पाई माइनस एक्स प्लस tan 2 पाई माइनस एक्स और dx, ओके। तो आपको पता है sec 2 पाई माइनस एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे sec x ही आएगा प्लस सॉरी, लेकिन tan हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस के tan x आएगा और dx आएगा, ओके। तो ए भी आई था, इसको इक्वेशन टू दीजिए, ओके। अब कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कीजिए, तो i प्लस आई आपका 2i हो जाएगा और 0 से 2a, अब आप देखेंगे कि log sec x प्लस tan x और यहाँ पर प्लस log sec x माइनस tan x होगा, ओके, और यहाँ पर इंटू में आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log m प्लस log n आपका इज इक्वल टू होता है log m इंटू n, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 0 से 2a, यहाँ पर 2i है, तो log m इंटू n, तो आप देखेंगे a प्लस b और a माइनस b, आपको क्या देखने को मिलेगा, sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x और dx, क्लियर। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 2i इज इक्वल टू आपको देखेगा 0 से 2a और log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये सारा पोर्शन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया, क्लियर। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्लियर। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे फटाफट, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। एक 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 दो टाइप के और क्वेश्चन है जिसको मैं सीपीपी 5 में डिस्कस करूंगा, सीपीपी सीबीएसई प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्लियर। ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सीबीएसई बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन, केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।